मैं स्वयं जाकर देखता हूं भाई। आपने क्यों उसे दस्यु का सामना करने भेजा? मेरे भाई के प्राण ले चुके हैं दस्यु, कहीं कनिष्क को कुछ हुआ तो? मेरा भी पुत्र है कनिष्क, कुछ नहीं होने देंगे हम उसे। हम बस इतना जानना चाहते हैं कि जिसके सामने युवराज को सहायता की आवश्यकता पड़ गई, वो दस्यु है कौन? भाग दस्यु कहां तक भागेगा? मेरे ही नगर में आकर मेरे सैनिकों पर प्रहार किया। तुझे और इस पागल को ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा कि मिसाल बन जाएगी। ये पागल तो खाती ही कुत्तों की तरह है। और तुझे भी मैं कुत्ते की मौत दूंगा। शहजादे कनिष्क, रुकिए, अकेले आगे मत जाइए। बहुत बड़ी भूल हो गई तुमसे। ये जो भी है किसी की मां तो है, किसी ने बताया नहीं तुम्हें कि भाई के सामने बहन को और बेटे के सामने मां को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। जब मौत सामने हो तो डरना चाहिए दस्यु। डरने वाले मरने से पहले ही मर जाते हैं। आज तुम डरोगे भी और मरोगे भी। याद है पिछली बार कैसे तट पर पीटा था तुम्हें? जिस तरह भी भागे थे उसी तरह भगा भगा कर मारूंगा तुम्हें।
दस्यु दृष्टि नीचे कर। चट्टान कभी पलटकर वार नहीं करती। इसका अर्थ यह नहीं कि वो दुर्बल है, क्योंकि जब वो गिरती है तो अस्तित्व कुचल देती है। और मैं भागा नहीं था, तुम्हें अपने पीछे भागा रहा था। इस मां की रक्षा के लिए रही बात दृष्टि नीचे रखने की, तो एक बात सदा स्मरण रखना, जो प्रजा को अपने सामने झुकाता है वो मूकी खाता है। युवराज मारो इसे और मारो इसे। नहीं मां, इसे मारना कम और घसीटना अधिक आवश्यक है। ताकि इन फारसी वस्त्रों के भीतर छिपी भारतीय आत्मा अपनी धरती की महक पहचान सके। युवराज कहाँ है? शहजादे कनिष्क को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो आगे अकेले बढ़ गए। मूर्खो तुम! फारसी व्यंजन बाद में चखना, पहले भारतीय स्वर तो सीखो। शीघ्र आगे बढ़ो। चलो पुरु, सैनिकों के आने का स्वर आ रहा है, निकलो। एक क्षण लाची, असल छुपा दिया है, दूध देना भी बाकी है। गुरु नाम है मेरा। पेट पर नहीं, मुंह पर वार करता हूं मैं। निकलो पुरु, चलो। कनिष्क, तुम ठीक हो? पीछा करो उन दस्यु का। जी हुजूर। तुम चिंता मत करो, उन दस्यु को तो मैं बंदी बनाऊंगा। और उस दस्यु को बंदी नहीं बनाना है मात्य ताऊ, उसे संसार से मुक्त करना है। वो लोग नहीं मिले हुजूर। पूरे नगर में घोषणा करवा दो, कोई भी नौकरे घर से बाहर ना निकले, सैनिकों का अतिरिक्त कोई भी दिखे या तो उसे बंदी बना लो या फिर उसे मार डालो। जी हुजूर।
सावधान, सभी लोग अपने अपने घरों में बंद हो जाएं। ये एक राजकीय घोषणा है। कुछ दस्यु नगर में घुस आए हैं। सेना उन्हें पकड़ने के अभियान पर है। पिता चुप जाओ सब। लगता है इन्हें ज्ञात हो गया है कि हम सब यहाँ हैं। अब क्या करें? अब कुछ नहीं कर सकते। अब स्वयं अमात्य शिवदत्त श्री सेना लेकर निकले हैं पुरु को ढूंढने। अब नहीं बचेगा पुरु, नहीं बचेगा। और अब और हम सब भी नहीं बचेंगे। तुम जानते हो शिवदत्त श्री कौन है? नहीं नहीं जानते, नहीं जानते ना। मृत्यु मृत्यु है तुम्हारी मृत्यु, किसकी मृत्यु? उसकी मृत्यु, मेरी मृत्यु। एक काम करते हैं, अब बात चलते हैं सब। नहीं नहीं एक काम करते हैं, हम सब समर्पण कर देते हैं। शांत, समर्पण नहीं कर सकते, सबके सब मारे जाएंगे। जो कुछ करना है पूर्व और लाची के लौटने के बाद ही कर सकते हैं। छिपने का कोई स्थान है उन दोनों के लौटने तक जहां रुक सके? ऐसा लगता है कि सुमेर दासों को लेके यहाँ से निकल चुका है। हाँ, इतनी हलचल देखकर वो अवश्य निकल गया होगा, किंतु वो मुझे छोड़कर जा सकता है, तुम्हें नहीं। उसने कोई ना कोई संकेत अवश्य छोड़ा होगा। पुरु वो देखो, यही है सुमेर का संकेत। ना कुएं में ना खाई में, सुरक्षित है गहराई में। इसका क्या अर्थ हुआ पुरु?
बस इतनी सी शराब, इतना वजन निशाने के लिए काफी नहीं अलेक्जेंडर? बाजुओं में होता है, शराब में नहीं। जो काम एक शाह कर सकता है वो एक मल्लिका क्यों नहीं? हैरान हूं मैं कि इतने जाम पीकर भी फिलिप ने अपना असली रंग क्यों नहीं दिखाया। मेरा दीजो, मेरे दोस्तों और मैसेडोनिया के बहादुरों, ये जश्न मेरे और अलेक्जेंडर के पता के लिए है। मगर हर फतेह एक नई ललकार को सामने लेकर आती है। खबर है कि थेब्स और एथेंस ने मिलकर मैसेडोनिया के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। बहुत सी जंग लड़ी है मैंने और ये जंग भी लड़ सकता हूं, मगर मैं चाहता हूं कि मैसेडोनिया का आने वाला कल मैसेडोनिया की आज की हिफाजत करे। मेरी ख्वाहिश है कि मेरा बेटा अलेक्जेंडर मेरे साथ हो, हम साथ लड़े और साथ में जीते। अलेक्जेंडर! मगर एक सिपाही की फतेह के लिए उसकी दोनों बाजुओं का जोर चाहिए। अब मेरी दोनों बाजुएं मेरा सहारा बनेंगी। पहली अलेक्जेंडर और दूसरी अरिडियस, फिलीना का बेटा। मेरी औलाद, कौन है ये दस्यु? पुरु। हमें ये पुरु चाहिए जिसने हमारे पुत्र का रक्त बहाया है। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। एक तो पहले से हम लोग समस्या में और ऊपर से तुम इसे ले आए हो। इसे नहीं, इन्हें। मां है किसी की। कल सभी का ध्यान शहर डराइस के आगमन पर रहेगा। यही एक अवसर होगा हमारे पास यहाँ से निकलने का। कल तट खुलते ही वो यहाँ से जाने का प्रयास करेगा। सूर्य की पहली किरण के साथ हम सब यहाँ से निकल जाएंगे। क्या यह ज्ञात हुआ कि बंजारा बनाकर उस दस्यु को नगर में प्रवेश किसने दिलवाया? उसका नाम है चिंतन कुमार।